मेरा नाम अलका पाटीदार है और मैं अभी वर्तमान में सीएम राइस वसराद में पदस्थ हूँ। ये शुरुआत मेरी 2009 से हुई जब मैं बरसलाय में पोस्टेड थी, खरगोन के पास स्थान है। तो वहाँ पर जब मैं पोस्टेड थी तो लड़कियाँ अपनी परेशानी लेकर आती थी और मुझसे छुट्टी लेकर जाती थी। तो मैंने फिर जानना चाहा कि ये छुट्टी किस बात की लेती है, तो पता चला कि उनको मंथली प्रॉब्लम होती थी तो वो छुट्टी लेके जाती थी और वहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी। फिर मैंने उनका पता लगाया कि वो कितनी किलोमीटर दूर से आती है, तो कोई लड़कियाँ 4 किलोमीटर से, कोई 3 किलोमीटर दूर से आती थी। फिर मैंने सोचा कि अगर इतनी दूर से पैदल आ रही है और कोई साधन नहीं था उनके पास, तो इतनी दूर से पैदल आ रही है और वापस पैदल जाएगी इस हालत में, तो थोड़ा सा मुझे उनका दर्द समझ में आया। और जब एक लड़की छुट्टी लेकर जाती थी तो उसके साथ आने वाली 3-4 लड़कियाँ भी छुट्टी लेकर चली जाती थी, तो इस तरह से उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। तो मैंने फिर विचार किया कि समस्या का कोई तो हल निकालना पड़ेगा। फिर अपने पास से मैं उनको सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने लगी। उसके बाद से फिर उनका छुट्टी लेकर जाने का सिलसिला भी बंद हुआ और अपना पढ़ाई में भी ध्यान देने लगी। इसके साथ साथ मैं लड़कियों की समस्याओं को भी समझती थी, उनके पारिवारिक परेशानियां जो रहती थी उनको भी समझती थी। फिर वो लड़कियां जब मेरे से इतनी घुल मिल गई तो वो बेझिझक अपनी परेशानियां मुझसे शेयर करने लगी। स्कूल में भी जो उनको कुछ संबंधित परेशानियां होती थी वो मुझसे बेझिझक बोलती थी। तो इस तरह से ये 2009 से मेरा सिलसिला अभी तक जारी। 2009 में आपने शुरुआत की इस चीज़ की, बच्चियों को पढ़ाने के लिए उस स्कूल से आपने शुरुआत की थी, बाद में आप यहाँ सीएम राइस स्कूल में हैं, यहाँ कैसे इसको लागू किया? यहाँ पर भी वही मैं लड़कियों को बोल देती हूँ, और स्टार्टिंग में ही जब वो एडमिशन हमारे पास लेती है तभी से उनकी काउंसलिंग करके मैं उनको बता देती हूँ और उनको अपने बैग में अनिवार्य रूप से रखने के लिए भी बताती हूँ कि आप लीजिए और रख लीजिए बैग में, आपको जब इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो आप उसका उपयोग करें। और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों के कारण भी मैं उन्हें बताती थी कि यह हाइजीनिक होता है, जैसे परंपरागत नैपकिन इस्तेमाल करते हैं तो उसे सुखाने धोने में भी समस्याएं होती है, इसलिए मैं उनको हाइजीनिक तौर पर भी बताती हूँ। ये जो आप दे रहे हैं 2009 से अब तक कितने बच्चों को आप दे चुके होंगे, संख्या बात करें? लगभग 150 बच्चियाँ तो वहाँ रहती ही थी, 150 के करीब उनकी स्ट्रेंथ रहती थी। तो ये 14 साल हो गए मुझे, तो लगभग 1500 लड़कियों को तो मैं दे चुकी हूँ अभी जी। ये कैसे परचेस करते हैं? नहीं, मैं परचेस करके लाती हूँ। दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोन।